नमस्कार, बीटी न्यूज़ बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ने आई थी पुष्पम प्रिया चौधरी, जब पूरे पटना के सड़कों पर बैनर लगाया था बिहार का अगला मुख्यमंत्री पुष्पम प्रिया चौधरी, पुलरल्स की प्रेसिडेंट, जो आज बेगूसराय विधानसभा से पुलरल्स के प्रत्याशी नीरज देव, मटिहानी विधानसभा से पुलरल्स की प्रत्याशी डॉक्टर बिंदु के लिए रोड शो करने के लिए आए हैं। वो मेरे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में। आप बने रहिए बीटी न्यूज़ बिहार के साथ। लेट्स ओपन बिहार का क्या उद्देश्य है? आपके पुलरल्स पार्टी के आप प्रेसिडेंट हैं, लेट्स ओपन बिहार जो विजन लेके आप बिहार में आई हैं, उसका उद्देश्य क्या है? बिहार जितना पीछे है उसमें उसको खोलने की ज़रूरत है। खोलने का मतलब है कि सोशली, इकोनॉमिकली, पोलिटिकली हर तरीके से बिहार को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। देश में सबसे पीछे रहने की ज़रूरत नहीं है। जिस विजन के साथ आप बिहार की राजनीति में आए हैं, क्या उस विजन को बिहार की जनता अभी स्वीकार करेगी? बहुत ही दुर्भाग्य होगा अगर नहीं स्वीकार करेगी, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना हित चुनना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता को बहुत अच्छे से पता है कि नीतीश जी और लालू जी बिहार के हित में नहीं है, और प्लूरल्स के अलावा वो किसी को भी चुनेंगे तो नीतीश जी और लालू जी के परिवार के ही लोग आएंगे। लगातार 30 साल के हमला करते रहे कि 30 साल का कार्यकाल कैसा रहा है, अगर आप आते हैं तो बिहार को किस हद तक आगे ले जाइए? वैसे ही जैसे कि पूरा देश आगे जा रहा है। अभी मैंने बोला कि सिर्फ भाषण करने से और बकैती करने से राजनीति नहीं होती है। जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आता है उसके बाद वहाँ पे बैठ के नीतियाँ भी बनाई जाती हैं। वो नीतियाँ बनाने किसी को भी नहीं आता, सिर्फ दूसरे पे उंगली उठा के ही राजनीति अब नहीं होगी, अब नीतियों की बात होनी होगी। बिहार वो डिजर्व करती है। बेगूसराय के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश? बेगूसराय के युवाओं को कहूँगी कि रामधारी सिंह दिनकर को याद रखना है। सिर्फ ऊपर से क्या दिखता है वो ज़रूरी नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर के अंदर जो सब्सटेंस था उसको अपने अंदर जिंदा रखना है, और ये दिल से सोचना है कि अब बाकी लोगों के सिंहासन खाली करने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब हमें वहाँ जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।